हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में प्रदूषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हरियाणा बड़े खतरे में है। बॉर्डर सील कर दिए जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पराली जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। उन्होंने नासा द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रदूषण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आंकड़ों के मुताबिक इस साल हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 34% की कमी देखी गई है। हरियाणा में प्रदूषण के चलते सभी निजी और सरकारी स्कूलों में खुले में की जाने वाली गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, इसलिए राज्य शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वे सभी निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देशित कर दें, विद्यार्थियों से खुले में की जाने वाली गतिविधियां ना कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। दुष्यंत ने बढ़ते हुए दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता तो पहले पंजाब से लगते हरियाणा के जिला सिरसा, अंबाला, करनाल, पानीपत में इसका असर होता। इसलिए पहले केजरीवाल सरकार को यह देखना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण कचरा निस्तारण के लिए कचरा जलाए जाने के कारण हो रहा है या फिर इसके कोई और कारण है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए दूरगामी और सार्थक कदम उठाए। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि प्रदूषण की समस्या से निजात पाने को दिल्ली से लगते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाए। दिल्ली सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि खेत खलियान के कचरे से ऊर्जा पैदा करने के लिए पहल कर रही है। इसी क्रम में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पानीपत में एक ऐसा मॉडल तैयार कर रही है जिसमें आसपास के 4 जिलों के कृषि कचरे से ऊर्जा पैदा की जाएगी। यह मॉडल 6 माह में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का एक ऐसा सस्ता मॉडल तैयार कर रहा है जिसमें गाँव स्तर पर खेत खलियान के कचरे से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। दुष्यंत ने कहा कि ऊर्जा का मतलब सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि कचरे से यदि गैस का भी उत्पादन होता है तो वह इसी में आएगा। कृषि विश्वविद्यालय के मॉडल को हरियाणा सरकार प्रत्येक गांव में लगाने का काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया की है कि हरियाणा की नई सरकार किसानों के लिए चालान काटू सरकार साबित हो रही है। दुष्यंत ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों के चालान काटने की परंपरा हुड्डा सरकार में शुरू हुई थी, चूंकि एनजीटी के इस संबंध कुछ आदेश जारी किए हैं इसलिए किसानों ने चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन जजपा भाजपा सरकार किसानों को परेशान नहीं होने देगी। हुड्डा की सरकार होती तो मौजूदा सरकार से भी ज्यादा चालान कटवाने का काम करती। उन्होंने हुड्डा को नसीहत दी कि वह सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाए। और ये कोई ड्रग ट्रैफिकिंग की तरह नहीं है कि बॉर्डर सील कर देंगे और ये चीज रुक जाएगी। ये तो एनवायरमेंटल इशू है। कोई भी चीज़ पंजाब से अगर बाय एयर दिल्ली की ओर आती है तो उसका कोई ना कोई एनवायरनमेंट का टेक्निकल कारण होगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं, हमें कदम उठाने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म, जो आगामी एक साल के अंदर ये चीज़ हमें दोबारा देखने को ना मिले। इसके अंदर डाटा ये भी बताता है कि पिछले साल से लगभग 34% स्टबल बर्निंग हरियाणा के अंदर कम हुई है, और ये प्रयास है कि इसको और कम किया जाए। मगर कैसे कदम उठाए जाएंगे तो जॉइंटली केंद्र सरकार के प्रयासों से एनसीआर संबंधित चारों स्टेट्स साथ में, क्योंकि पंजाब एक अपने आप में की रोल प्लेयर है, उनके साथ चर्चा करके आगे कदम उठाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसा आपने कह दिया कि पंजाब कर रहा है, इसी बात को दिल्ली हरियाणा पे डाल रही है। मैं तो आपको नासा के जो मिनट टू मिनट डाटा अपडेट है, हरसेक के डाटा चाहिए आपको, हरसेक के भी डाटा प्रोवाइड कर देंगे जो हरियाणा की सैटेलाइटरी इमेजरी है। मगर मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आज के दिन जो इस 72 घंटे का डाटा उपलब्ध है नासा की वेबसाइट पर, उसमें हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं है, इसका रोल प्लेयर पंजाब है। मगर दिल्ली के अंदर ये क्लॉगिंग होनी, इसके अंदर मैं ये मानता हूँ दिल्ली के जो डंपयार्ड में आग लगती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हेजिडियस
स्टेप है जिसको दिल्ली सरकार को मॉनिटर करना चाहिए और बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये केवल मात्र ये दिखा के कि 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, आपने एक बच्चों की सेहत के ऊपर ध्यान रखने की बजाय आज सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनको आती है। जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रोंकाइटिस है आज उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। देश के नागरिक की सेहत का ध्यान रखना मुझे लगता है कि हर सरकार की जिम्मेवारी है, और हरियाणा या दिल्ली या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 5ों सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार को इस पर ज्वाइंटली कदम उठाना चाहिए। और आग्रह प्रकाश जावड़ेकर जी से हरियाणा सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, उनने भी बात करी है, पत्र हम ऑफिशियली भेज चुके हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक ज्वाइंट बैठक बुलाकर फ्यूचर कोर्स तथा किसने राज्यों की बैठक होगी। 5 राज्यों से आग्रह किया, 4 राज्य जो NCR में इन्वॉल्व हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, और उसके साथ साथ क्योंकि बारी बारी पंजाब इसमें चर्चा का विषय बनता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि उनकी ओर से। सर, सरकार नेता प्रतिपक्ष है, इस बार निजी और सरकारी स्कूल दोनों की छुट्टियां आधे घंटे में नहीं, ओपन एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे का है, इसमें कोई स्कूल तो चलने नहीं, पर उसके अंदर 5 तारीख से पहले आज के दिन भी ये नोटिफिकेशन इशू था कि ओपन एक्टिविटीज हरियाणा प्रदेश के किसी भी स्कूल में। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जो पैराली का अब तक का जो मॉडल दिया गया है वो इतना वाजिब नहीं है, उसमें जो कॉस्ट आएगी, जो डिकम्पोजर की कॉस्ट है वो किसानों पर बोझ पड़ेगी, इससे अच्छा है कि किसान पराली को जो वेस्ट है उसको उठाकर कुछ ढंग से अपने तरफ से प्रयोग। आपने ये बात रख दी, इसके ऊपर जब कैबिनेट की बैठक थी, जब डिकम्पोजर पर चर्चा हुई थी, उस समय ये पॉइंट भी आया था कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अभी नहीं है, जो एक था वो टेक्निकल ग्लिच के कारण आज के दिन भी खराब पड़ा है, मगर इंडियन ऑयल के साथ पानीपत के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो लगभग 4 जिलों को कैटर करेगा उसको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फंक्शनल कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई थी कि फ्यूचर कोर्स में हम ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और लगाए जाएं, जिस पे सब्सिडी ज़्यादा दी जाए कि और पावर प्लेयर्स जो हैं वो आकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर, चाहे वो पैडी हस्क हो, चाहे वो सोयाबीन का हस्क हो, चाहे वो आपके सूरजमुखी का हस्क हो, इस तरह के वेस्ट जितना भी एग्रीकल्चर है उसको जलाने की बजाय इन प्लांट्स के माध्यम से यूटिलाइज करें, और साथ में जितना हमारा गार्बेज वेस्ट है जो अलग अलग जगह डंपिंग यार्ड्स में पड़ा है, क्योंकि एज एन MP मैंने देखा कि डंडूर के अंदर बनाया गया और वो किस लेवल पर पहुंच गया, तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहती है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा। सर, पराली जलाने को लेकर सरकार की तरफ से किसानों के चालान काटे जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रही है कि किसान मजबूर है पराली जलाने के लिए और नई सरकार जो है चालान काटू सरकार जो है वो। और इसमें एक जोड़ता हूँ मैं, डीप कंपोजर पर जो सब्सिडी आपने दिया उसे भद्दा मजाक किसानों के साथ बताया, उनका कहना है 20 रुपये 1 एकड़ में खर्चा। सब्सिडी कौन सी दी थी? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उस दिन आप सब ने एक मुद्दा बनाया भी 50% सब्सिडी देने की बात, हमने कहा कि डी कंपोजर को सब्सिडाइज किया जाए, किस लेवल पर किया जाएगा ये तो सरकार का निर्णय हो, उस पर 50% किया जाए, 70 किया जाए, 80 किया जाए। उसके साथ साथ एक मॉडल HAU का सामने आया है जो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बिजली नहीं, गैस के तौर पर HAU में एक प्लांट लगाया गया है, जिसको हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आगने वाले समय में गाँव दर गाँव पहुँचाए जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर वेस्ट टू गैस बनाई जाएगी और एनर्जी हर घर तक पहुँचाई जाएगी, और उसके ऊपर आने वाले भविष्य में जो कदम दिए जाएंगे आपको ब्रीफ। चालान की जो बात, चालान काटू जो सरकार कहा जा रहा है किसान मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए किसान मजबूर है। इन्फॉर्मेशन के किसान के बेटे के तौर पर हुड्डा साहब को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, वो चालान काटू सरकार बोलते, प्रथा तो उनकी सरकार ने शुरू करी थी, और आज कोई जाकर अफसर चालान नहीं काट रहा, ये तो हर्षक की डिजिटल इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये पहुँचाया जा रहा है, मगर इस पर हम लुक इन टू कर रहे हैं कि फार्मर को इस चीज़ की दिक्कत ना आए। हाँ जरूर, कोई कानून NGT ने भी बना रखे हैं, आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। हुड्डा साहब अगर आज हमारी परिस्थिति में होते तो शायद
उनकी सरकार तो इससे फालतू कदम उठाती है, हम तो एक एक दाना भी परचेज करने की बात कर रहे हैं। सर जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पिछली बार केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक होती है, 12 समझौतों पर बात की जाती है, जिनमें से ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या थी, बदरपुर से लेकर के आश्रम तक उसको एलिवेटेड करने की बात की गई थी, लाइट फ्री करने की बात की गई थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी क्योंकि ट्रैफिक भी बड़ी दिल्ली का विषय है मेरे ख्याल से। केजरीवाल जी इस पे अब तो बैठक होगी, लाइट लाइट एक बड़ी सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर से हमने आग्रह किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जैसे ही अगला कदम उठाएंगे, चाहे उसके अंदर मुख्यमंत्रियों को बुलाए, कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाए, तो उसके बाद की बात है कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।